नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो जिस तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है, जहां से वैकेंसी निकल करके आई है। तो यहां पर जो जैसे सभी का स्टेट पीसीएस होता है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के स्टेट पीसीएस की वैकेंसी निकली है 2021 सेशन के लिए। यहाँ पर यदि बात करें कि फॉर्म भरने का डेट कब से कब है, तो प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा भरने के प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिसंबर से लेकर आप 30 दिसंबर 2021 के रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका पीटी होगा, पीटी का एग्ज़ाम जो होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा का, वह 13 फरवरी 2022 को है और मुख्य परीक्षा की तिथि 26, 27, 28 एवं 29 मई को है। तो जैसा कि पता होगा कि 23 या 24 जनवरी को बीपीएससी का भी है, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है। तो आप इसीलिए डेट आगे पीछे रखा है ताकि डेट क्लैश ना कर सके, आप दोनों जगह का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी का डेट तो शायद अब ख़त्म ही हो गया है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरना चाहिए आपको। आगे हम लोग यदि देखेंगे तो एक दिन के लिए दिया गया है कि आप 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 100 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में, किसी भी तरीके का ज़्यादा फी नहीं रखा गया है, इसलिए आप आराम से यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आगे बात करें कि यदि एलिजिबिलिटी की, तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए होता है किसी भी लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरने के लिए। बाकी सिलेबस वगैरह क्या है वह सब आप नीचे में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा की बात करें तो यहाँ पे टोटल 15 सीट है, और राज्य पुलिस सेवा की बात करें तो वहाँ पर टोटल 30 सीट है, और छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी में 10 सीट है, जिला आबकारी अधिकारी में 3 सीट है, और लेबर ऑफिसर में 1 है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर में 2 है, सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास पदाधिकारी में 3 सीटें हैं, जिला सेनानी में 1 सीट है, सहायक संचालक में 3 है, सहायक संचालक जिसमें अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति आएंगी उनके लिए 11 सीट है, और अधीक्षक जिला जेल की यानी कि जिला जेल का जो अधीक्षक होता है उसके लिए 1 है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए 1 सीट है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO जो कहते हैं उनके लिए 8 है, और छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के बारे में 12 सीट है, और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के लिए 10 सीट है, और नायब तहसीलदार के लिए 30 सीट है 30, एंड आबकारी उप निरीक्षक के लिए 5 है और उप पंजीयक के लिए 1 है, सहकारी निरीक्षक यानी सहकारी विस्तार अधिकारी के लिए 6 है, और बैकलॉग से 1 सीट भरी जाएगी, और सहायक जेल अधीक्षक के लिए 17 सीट है। तो टोटल 171 सीट है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र वगैरह का नाम दिया हुआ है। तो जो भी छत्तीसगढ़ का शहर है वहीं पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, और मेंस एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे होगा उसका भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह का नाम। उसके बाद आप नीचे में आते आएंगे तो यहाँ पर जो आरक्षण वगैरह के बारे में, आयु सीमा के बारे में बात की गई है, वो सब आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। तो जो लोग स्पेशली छत्तीसगढ़ के हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, बाकी तो स्टेट दूसरे स्टेट वाले यहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है कि मेंस में क्या होगा, पीटी में कौन कौन सिलेबस होगा, कितने पेपर होंगे, तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।